क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति चैर्गुणैः नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते हवश निःसंदेह कोई भी पुरुष क्षण भर भी कर्म किए बिना रह नहीं पाता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण सबको बरबस ही कर्म करने पड़ते हैं। निःसंदेह कोई भी पुरुष क्षण भर भी कर्म किए बिना रह नहीं पाता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण सबको बरबस ही कर्म करने पड़ते हैं। ऐसी बाप की याद हो जो इंद्रियों में वो ताकत आ जाए कि कर्म करते हुए भी जैसे कर्म नहीं किया। जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकला, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। तो जैसे इन इंद्रियों के लिए है, ऐसे वो बात 10 इंद्रियों के लिए लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। सिर्फ बाप की गहरी याद में रहने की बात है, बाकी ऐसे नहीं है कि सन्यासियों में ले मिसल कर्म इंद्रियों से कर्म ही नहीं करना है। कर्म धारा बगैर रहा जा सकता है? पांव हैं तो चले बगैर रहेंगे, हाथ हैं तो किए बगैर रहेंगे? रहेंगे। गीता में भी ये लिखा हुआ है, जो मनुष्यों ने गीता लिखी है, कि कर्मधारा को रोका नहीं जा सकता। कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। नाक है तो सांस लिए बगैर रहेंगे, आंख है तो देखे ही रहेंगे, कान है सुने हुए बगैर रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए कर्मधारा को रोकने की कोशिश नहीं करना जो सन्यासी करते हैं। क्या करना है? कर्म करते हुए भी ऐसी बाप की गहरी याद हो जो कर्म का प्रभाव ही न पड़े। लौकिक कर्म की बात है, कर्म अलौकिक हो जाए।